गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू चिल्ड्रन। क्लास एट आपको लेसन 5 दोहा एकादशा मैंने आपको पढ़ाया, अर्थ समझाया, प्रश्नोत्तर लिखा दिया, बहुविकल्पी प्रश्न, भाषा कौशल सब करवा दिया। अब मैंने आपको आज एक ये जो दोहा है, माला फेरत झुक गया, माला फेरत झुक गया, फिरा मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। कबीर दास जी उन ढोंगी व्यक्तियों को के लिए कहा है कि ये हाथ में दिखावटी का माला जो फेर रहे हैं, दिखावटी कर रहे हैं, पूरा समय बीत गया है माला फेरते हुए, लेकिन अपने मन हृदय रूपी माला को वो नहीं फेरे, हृदय रूपी माला को अभी तक नहीं फेरे, माला लेकर जाप करते हुए नहीं फेरे। समय बीत जा रहा है किंतु मन का फेर अर्थात मन का भटकना बंद नहीं हुआ, यही सच्ची पूजा है। इसलिए हाथ की माला फेर कर मन की माला जपना शुरू कर दो, अपने मन को पवित्र करो, यही सच्ची पूजा है। आप दिखावटी में माला फेर रहे हो और जाप कर रहे हो, लेकिन मन कहाँ है, चारों दिशाओं में है, चारों तरफ भटक रहा है। पहले आप मन रूपी माला को फेरिए, तब प्रभु को याद करिए, यही सच्ची पूजा है। देखिए अर्थात गीता में कहा गया है, मन एवं मनुष्याय कारणम बंध मोक्षयो। मन मनुष्य का कारण क्या है, मन, जो आपके का बंधन है, यही मोक्ष प्राप्त करने नहीं देता है। अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है, हमें उसे जीतना चाहिए। और भी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आप अपने मन से कोई कर्म करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, अर्थात मन से किया गया कर्म सफल होता है, यही कबीरदास जी ने कहा है। अब मैं आपको बोर्ड पर लिखकर और बता दूँ, जैसे आपका दोहा है, माला फेरत झुक गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। कबीरदास जी ढोंगी पूजा करने वालों से कहते हैं कि हाथों में माला लेकर जाप करते हुए जाने कितना समय बीत गया, किंतु तुम्हारे मन का फेर अर्थात मन का रखना तो बंद ही नहीं हुआ, जो कि वही सच्ची पूजा है। इसलिए हाथ का माला फेर कर मन की माला जापना शुरू करो, अर्थात अपने मन को पवित्र करो, यही सबसे बड़ी पूजा है। विषय गीता में कहा गया है, मन एवं मनुष्याय कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है, उसे ही तो हमें क्या करना चाहिए, उसे जीतना चाहिए। और भी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये दोहा आप दोहा भी लिखोगे और अर्थ भी लिखोगे, लर्न भी करोगे। होमवर्क में है दोहा एकादशा पाठ के इन्हीं 8 दोहों को लिखो तथा याद भी करो। ओके, समझ में सबसे आ गया होगा और लर्न भी करना होगा। ओके, बाय।